ये देखिए, पहले हम इस स्लाइड को नीचे उतारेंगे और फिर दूसरा डोम इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम इस डोम को उतारना स्टार्ट करेंगे। इसकी पहले लाइट बंद करो, वहाँ से जाके उधर से। ये दो एलन की लगी हुई हैं, इनको खोला जाएगा। अब इसको बाहर निकालिए और वायर को काट दो। अब इसे ऊपर छोड़ दें आराम से। और ये हमारा जो है दूसरा डोम है, जिसे हम निकालेंगे और अब लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रख के इसके अंदर हैंडल लगाइए। ये दो पेच हैं जो अंदर से लग जाएंगे, इन्हें ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा लूज करना है। ये देखिए, इसके अंदर दोनों पेच लग चुके हैं। अब ये हैंडल लगा देगी, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको ऐसे करके प्रेस करना है और आपका हैंडल निकल जाएगा और ये लग जाएगा। पहले इसको डाल के ये चेक करो कि डोम बैलेंस है या नहीं। स्टूल लेकर आ जाओ। हाँ, अब इसे ऊपर कीजिए। ठीक है, ये तो बैलेंस है, फिर भी हमें ये बताना है कि बैलेंस करते कैसे हैं। इसे बाहर निकाल दो। हाँ, अब इससे बैलेंस कैसे किया जाता है ये बताइए ने। अगर डोम हमारा, पहले तो ये वायर इसके अंदर डाली जाएगी। डालने के बाद इसमें डिपेंड करता है, अगर डोम हमारा भारी है तो हम इसे टाइट करेंगे। टाइट कैसे करते हैं वो टाइट करके बताइए। ऐसे करके अगर घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। हाँ, और घुमाओ जी। ठीक है, और अगर इसे जो वापस उल्टा घुमाएंगे तो डोम जो हमारा, अगर हल्का डोम है तो हमारा डोम आराम से टंग जाएगा इसके ऊपर लाइट जो है। ठीक है, बराबर कर दिया, नॉर्मल जो वेट था वही कर दिया ना। ठीक है, क्योंकि हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने वेट किया नहीं है इसमें। तार छील लिए लो और छीलने के बाद तार लगा दीजिए। टेप है छोड़ दो ऊपर का। पहले इंडिविजुअली तारों के ऊपर अच्छे से टेपिंग कर दी जाएगी।
ये वायर को अच्छे से तरीके से अंदर कर दिया। अंदर करके हम लोग इसे टाइट करेंगे ऐसे, और जो ये दो स्क्रू हैं इन स्क्रू को जो है तरीके से ढंग से टाइट कर देना है। लाल में लाल तार जोड़ी है और काली में काली तार जोड़ी गई है। और इसके साथ साथ में हमें जब डोम हमारा लग जाएगा तो डोम लगने के बाद जो SMPS है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है SMPS भी चेंज कर दें, और चेंज करने के बाद जो है हमारी लाइट जो है वर्किंग में आ जाएगी। देखिए इसमें लाइट आ चुकी है, क्योंकि हम SMPS ही यूज़ कर रहे थे पहले से, तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इसे ऑन कीजिए, अब इसकी पोलोथीन रिमूव कर दो। थर्माकोल सीट ले लेना। ये हैंडल है, इससे हम जो है वो फोकस इसका छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए फोकस हमने फैला दिया है। अब इस फोकस को हमें एक जगह पे इकट्ठा करना है, तो हम हैंडल को मूव करेंगे, और जब हैंडल मूव होगा तो ये फोकस देखिए 0-0 हो गया हमारा। थैंक यू।